गाइस आज का ब्लॉग में हम आज जाने वाले हैं माँ सिंहासनी जो कि पुलाशरा का पास ही होता है। पुलाशरा गंजम उड़ीसा नियर बाय होता है, वहाँ हम जाएंगे क्योंकि उसमें प्रत्यक्ष देवी रहते हैं। ओके गाइस अब वीडियो में बंद रहे। वो फास्ट गेट आप अभी एंट्री कर चुके हैं, वहाँ से लगभग 25 से लेकर 30 किलोमीटर होगा। वहाँ से थोड़े दूर जाने के बाद वहाँ पे ज़्यादा धूप होने के कारण आज बहुत ही लोग आते हैं सिंहासनी के लिए, और उसके लिए कुछ स्वेच्छा सेवी ने पानी का और जो पना होता है ना उसका बंदोबस्त किया है। आपको 4-5 जगह ऐसे ही मिल जाएगी स्वेच्छा सेवी जो लोगों के लिए हेल्प करते हैं। देन हम अभी निकल पड़ते हैं माँ सिंहासनी के लिए। अभी हम पहुंच चुके हैं माँ सिंहासनी के पास। आज दिख सकते हो संक्रांति है, इसलिए बहुत ही सारे लोग वहाँ पे जमा हुए हैं और बहुत सारे ऐसे ही स्टॉल ओपन किया गया है। अब इस वीडियो में दिखाएंगे आपको हर चीज। ओके माँ सिंहासनी जो कि जंगल के बीचों बीच रहे थे और बहुत सारे लोग घूमने के लिए वहाँ पे आते हैं संक्रांति के दिन। आप देख सकते हो बहुत सारे बाइक वहाँ पे जमा हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने लोग आते हैं सिंहासनी घूमने के लिए। ऐसा आप इस वीडियो में देख ही सकते हो बहुत सारे ऐसे स्टॉल ओपन किया गया है, जैसे कि खाने का और खिलौनों का और कुछ मिठाई वगैरह का स्टॉल ओपन किया गया है वहाँ पे, आप इस वीडियो में देख ही सकते हो। गाइस अभी हमें आ चुके हो माँ सिंहासनी के पास, जो आप दिख रहे हो ना वो मेन गेट है, उसके अंदर हम अभी एंट्री करेंगे और माँ सिंहासनी के पास जाएंगे और उनकी दर्शन करेंगे। आप इस वीडियो में बनते रहना, आपको हम माँ सिंहासनी का हर चीज दर्शन कराएंगे। गाइस अभी हम आ चुके हो माँ सिंहासनी के एंट्री गेट के पास, जो मेन गेट होता है ना जो एंट्री करने के लिए मंदिर का, जो टेम्पल का एंट्री गेट होता है उसके पास अभी हमें आ चुके। आज संक्रांति के कारण बहुत सारी भीड़ वहाँ पे हुआ है, आप इस वीडियो में देख सकते हो। और हमारा पुलिस और आर्मी भाई ने सारे हर चीज़ को मतलब अच्छे तरीके से निभा रहे हैं उनकी काम को, आप इस वीडियो में देख ही सकते हो। दूर से आप देख सकते हो माँ सिंहासनी का टेम्पल आपको कैसे दिखाई दे रहा है, इतना सुंदर है, आप इस वीडियो में देख ही सकते हो। वहाँ पे आपको माँ सिंहासनी का कुछ प्रसाद वगैरह मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हो। इतना ज़्यादा भीड़ हो रहा है आप इस वीडियो में देख सकते हो, आज संक्रांति है इसलिए बहुत ही भीड़ वहाँ पे लगे हुए है। आप उस वीडियो में देख सकते हो कि वहाँ पे जो मुंडन करते हैं वहाँ पे आपको देख सकते हो। ओके गाइस
अभी हम निकल पड़े हैं जो कि माँ आसियानसनी के पास में एक बहुत बड़ा ही डैम है जो कि रांडी खाई नाम से परिचित है। वो अभी वहाँ पे हम जाने वाले हैं। अपनी इस वीडियो पे बनते रहना और सारे चीज का मजा लेते रहना। अभी एंट्री कर चुके हैं डैम के रास्ते में। आप देख सकते हो आज का नेचर बहुत ही शानदार है, जैसे कि क्लाउडी नेचर है, ज़्यादा धूप नहीं हो रहा है और बहुत सारे लोग भी वहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। आप कभी भी मतलब पुलोशरा आए मतलब गंजम आने चाहते तो आप वहाँ से विजिट कर सकते हो, क्योंकि उसका नज़ारा थोड़ा सा शानदार होता है, शानदार नज़र होता है क्योंकि वो पहाड़ों का बीचों बीच वो डैम है, मतलब बहुत सारे पहाड़ों के अंदर वो डैम होता है। अब इस वीडियो में देख सकते हो कितना शानदार नेचर आ रहा है। आप कभी भी पुलोशरा घूमने आए तो तब आप इस जगह को आना मत भूलिए, क्योंकि वहां जगह का नजारा बहुत ही अलग होता है। मैं आपके लिए इस डैम का एक अलग सा वीडियो लाऊंगा जो रांडी खाई के बारे में है, और उसका ओवरव्यू मैं आपको दिखाऊंगा कि रांडी खाई का कैसे है, मतलब कितना लंबे है और क्या क्या हर चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा उसका ओवरव्यू करके। आप इस वीडियो में देख ही सकते हो रांडी खाई का नज़र बहुत ही अलग है और बहुत ही बड़ा डैम है, मतलब वहाँ से वहाँ तक नज़र नहीं आ रहे। और क्या है कि वो डैम ना पहाड़ों के बीचों बीच गया है, मतलब हम मतलब जो दिखाई दे ना हमारे पहाड़, वो पहाड़ की आर पार में भी वो डैम है। ओके, आप कभी भी मतलब मासियानसनी के पास आए तो वो डैम को आना मत भूलिए। गाइस अभी हम निकल चुके हो हमारा सिटी के लिए, और गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही शानदार कंटेंट लाते रहेंगे। और लाइक कर दो यार हमारे चैनल को, जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, और आप चाहे तो इस जगह कभी भी आ सकते हो विजिट करने के लिए। ओके गाइस।